किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखिए हमारी मन की सर्विसन की कुछ चीज़ें की हम आपको दिखाएंगे। और हमारे मन के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सभी सब्सक्राइबर को हम थैंक्स बोलते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो यहाँ पे देखिए हमने केक मंगाया और दीपा चला करके सेलिब्रेशन किया है। और हम आपको अपना शहर का, जैसे अलीगढ़ में रहते हैं, जैसे कि ताला नगरी से जाना जाता है, यहाँ के ताले जो हैं फेमस हैं, लॉक जो होते हैं, तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं। तो वहाँ की कुछ चलकियाँ आपको दिखाते हैं हम। तो ये देखिए हम बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ की कुछ क्लिप दिखाएंगे हम आपको अपने शहर की और आपको शेयर कराते हैं। आप वीडियो को फुल वॉच करना और हमारे ब्लॉग में जुड़े रहना। और सभी ने एक दूसरे ने सभी का साथ दिया है और हमेशा आगे भी देते रहना। और जो है आज मुझे बहुत खुशी, आप सभी के सहयोग से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थोड़ा मेरा वॉच टाइम अभी काफ़ी कम है, तो और सपोर्ट करना सभी मेंबर्स। बोलती हूँ और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि मेरा मन के हुआ। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब चैनल शुरू किया तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि वॉच टाइम क्या होता है और मेंबर्स जोड़ने होते हैं, लाइव क्या होती है, कुछ जानकारी नहीं थी मेरे को। धीरे धीरे मैं, मेरे 1 ईयर होने वाला था और मैं वीडियो ही डालती रही थी। और शुरुआत मेरी वहाँ से हुई कि बेटे ने मेरे बोला कि मम्मी आप भी वीडियो बनाया करो। मैं ऐसी सबकी वीडियो देखती थी, मेरी रिलेटिव है एक दीदी, तो उनकी वीडियो देखती थी मैं, बहुत अच्छी लगती थी। और तो मेरे भी कुछ मन में आया और वीडियो मैं देखती थी, वो जो है फनी वीडियो बनाती हैं, ब्लॉग्स भी बनाती हैं वो, तो मेरे मन में आई कि क्यों ना मैं भी एक किचन चैनल शुरू करूं। तो मैंने फिर सोचा और मैं वीडियो बनाने लगी और मेरे बेटे ने हेल्प की उसमें। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसे ही लाइव चल रही थी, तो दो सिस्टर थी उनकी लाइफ से अचानक ही ऐसे में जुड़ गई। बच्चों ने बताया कि मम्मी आप इनसे जुड़ें और ये लाइव होती है। मैं जुड़ गई और मुझे नहीं पता थी कि क्या कैसे करना होता है, मेंबर जुड़ने होते हैं, उन्हें रिटर्न देना होता है, कुछ भी नहीं पता था। मैं बस सपोर्ट करती रहती थी उन्हें, लेकिन धीरे धीरे मुझे काफ़ी सारी बातें पता चली। तो उन सिस्टर ने बोला कि आप हमारे मेंबर्स बन जाइए, तो मैं नहीं जान बंद कर दिया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी क्या कैसे करना होता है। और फिर जो लाइफ से जुड़ी रही मैं काफ़ी दिन, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। और भी थी, मतलब एक और सिस्टर, देखिए ये है निवास ग्राउंड, तो इसका ये है गेट। तो ये है देखिए हमारी, बताती हूँ
यहाँ हम जा रहे हैं निवास ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे ना निवास लगती है हमारे फरवरी के महीने में शहर में, तो वहीं ये सारा जो फुल जो इतनी जगह है ना, सारे में जगह में निवास लगती है यहाँ पे फरवरी के महीने में। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। तो वहीं पे हम चल रहे हैं अभी। और एक महीने तक रहती है यहाँ पे निवास जो है, ये उसी का देखिए फर्स्ट गेट ये है और आगे है काफ़ी बहुत सारा बड़ा स्पेस है। तो वहीं का ये ब्लॉग है मेरा, ये देखिए ये गेट है, ये दूसरा गेट है, अभी पास से नहीं दिखा पाऊंगी मैं आपको। और ये देखिए हमारा रात का ब्लॉग है, क्योंकि हमारी जो बेटी थी ना उसका प्रोग्राम था आगरा में, उसका जो है कुछ कॉम्पिटिशन में वो आ गया था पार्टिसिपेट में, तो उसको टेस्ट देने जाना था, तो उसके लिए हम उसे छोड़ने आए थे सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे। ये संत फिदेलिस स्कूल है, वहाँ पे छोड़ने आए थे हम उसे। तो वहाँ का मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था रात का। और बाद में उसको देखिए मेडल भी मिला था, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम उसे छोड़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जा रहे थे कॉम्पिटिशन में, कुछ आर्ट्स में थे और मतलब कुछ डांस में थे और कुछ सिंगिंग में थे, काफ़ी बच्चे थे। और यहाँ पे देखिए सभी के पेरेंट्स छोड़ने भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ बच्चे हैं, ज़्यादा पीस नहीं ली है मैंने, थोड़ी थोड़ी ली है। तो ये थोड़ा वही मॉर्निंग का समय है, तो ये बच्चे सभी पेरेंट्स अपने छोड़ने आ रहे हैं, दूर से दिखाऊँगी मैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं दिखेगा, देखिए बस आ चुकी है बच्चों की, और 4 बस आई थी, 4 जिसमें के बच्चे गए थे वो आगरा। ये देखिए एक पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चे को लेके। और फिर देखिए हम बेटी को छोड़ के और फिर से हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं, जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और मैंने ब्लॉग बनाया है रास्ते का, तो मैंने आपको डे का और नाइट का दोनों ब्लॉग दिखाए हैं अपनी सिटी के। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और वीडियो फुल वॉच करना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सभी को फिर से एक बार मैं धन्यवाद बोलती हूँ सभी मेंबर्स को, जिन्होंने मेरी हेल्प की, आगे भी इस तरीके से मेरी हेल्प करना, और मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, और एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग करते रहें। तो बस वही इस तरीके से आगे काफ़ी सारी बातें जुड़ती गईं। और यहाँ देखिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी को ये मेडल मिला है, छोटे ही बचपन को होटल भी है साथ में, ये ऊपर का मार खींच के ताला है। और यहाँ पे देखिए अब हम कुछ घर पे हमने बच्चों के लिए खाने के लिए बनाया है टेस्टी टेस्टी, तो हम मीठा भी बना रहे हैं और कुछ चटपटा भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं रबड़ी, तो उसके लिए हमने देखिए काजू और बादाम को कट कर लिया है, और यहाँ पे हमारी देखिए रबड़ी बन चुकी है। और रबड़ी जब बनाते हैं ना तो ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, और होममेड घर पर ही हमने दूध से बनाई है, क्योंकि हेल्दी चीज़ें भी बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। और देखिए यहाँ पर रबड़ी हमने कर ली है, और ऊपर से देखिए मेवा डाल दी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और थोड़ा सा ऊपर से हमने पहले वो मैंने की पैड नहीं की, इसमें मीठा भी डाल दिया था हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो वन के सेलिब्रेशन में हमने रबड़ी बनाई मीठे में, और देखिए फिर बनाई है हमने दबेली,
उसके लिए यहाँ देखिए ब्रेड ले ली है, मूंगफली ले ली है और दो ऑनियन ले ली है, प्याज क्योंकि बच्चे तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए आलू ले लिए हमने, इनको बॉईल कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है आलू को। उसके बाद उसमें नमक मिर्च मिला ली है हमने और जो प्याज थी ना कटकी थी वो मिला लिया है और जो मूंगफली के दाने थे वो भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले उन्हें हम देखिए भून देते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ऑयल था उसमें डाल करके हमने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी, तो आप बच्चों के लिए जरूर ट्राई करें। यहाँ देखिए हमने उन्हें, और हमने तवेली को ना पहली बार जब हम गुजरात गए थे, गुजरात में अहमदाबाद जो है वहाँ पे रहे थे कुछ दिन, हम 5-6 महीने के लिए ट्रांसफ़र हो गया था, तो तब हमने वहाँ पे ये खाई थी, बहुत ही अच्छी डिश लगी थी हमें, तो वही मैं आज बनाई है हमने। तो यहाँ देखिए हमने ऑनियन जो थी और ये मूँगफली के दाने इनको इनमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम, और थोड़ा सा उसमें ना मसाला वगैरह डाल देंगे जिससे कि टेस्टी हो जाए चाट मसाला। और उसके बाद ये जो ब्रेड है ना, चाहें तो उसकी किनारी भी निकाल सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही बना दी है, थोड़ी सी कट की है इस साइड से, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है टेस्ट में। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने अच्छे से जो स्टफिंग है सबको मिक्स कर लिया है यहाँ पे, और फिर यहाँ देखिए ब्रेड लेके हमने और उसमें इसको भर दिया है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ हमने देखिए पैन रख लिया है और उस पर थोड़ा सा हम ऑयल देसी घी लगाएंगे, देसी घी टेस्टी बनती है, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है देसी घी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी ये तैयार करके रख ली है और उसके बाद यहाँ देसी घी ले लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है जिससे कि उस पर ब्रेड पर लगाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घी हम इसमें डालेंगे और ये जो हमारी ब्रेड में स्टफिंग भरी थी जो तवेली बना रही थी उसे हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे और दोनों साइड से घी लगा करके और इसे हम देख लेंगे। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ देसी घी लगाया है जो कि मैं होममेड ही बनाती हूँ घर पर। तो दोनों तरफ से इस तरीके से देखिए हम घी लगा करके और इन्हें अच्छे से क्रंची बना लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और अभी इसके बाद इस तरीके से पलट देंगे हम, थोड़ा सा गैस ज़्यादा जो हो गई थी ना तो जल्दी डार्क हो गई है, ये मीडियम गैस पर ही है सेक है, घी लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है दबेली, और इसमें थोड़ा सा चाहें तो आप नमकीन भी मिला सकते हैं, जो आलू भुजिया होती है वो डाल सकते हैं, सेब होती है वो डाल सकते हैं नमकीन वाले, तो और अच्छी बनती है ये। ना ही ज़्यादा ऑयली होती है ये, जो ज़्यादा ऑयली होती है ना तो थोड़ा वो नुकसान भी कर जाती है। तो यहाँ देखिए देसी घी से बनाई है हमने ये, और थोड़ा सा जल्दबाजी में देखिए वो एक ब्रेड पे गई हमारी, और चाकू से देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेंगे।
भी शामिल होंगी हमारी इस तवेली को खाने में, आपके लिए भी बनाई है हमने। इस तरीके से देखिए चाकू से कट कट कर लेंगे इसे, और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हो, सॉस डाल सकते हो, मेयोनीज डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जो भी मेरे पास था उससे मैंने बना ली है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना घर में कुछ चीज़ें होती हैं कुछ नहीं होती हैं, तो फिर वही मैंने सिंपल तरीके से इसको बना लिया है। और ये देखिए हमारी तवेली बन करके रेडी है, बहुत ही टेस्टी है। आपको मेरी तवेली कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी कर देना। और चलिए अब हम खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, करते हैं पार्टी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को। जय श्री राम, राधे कृष्णा। और फिर देखिए बच्चों ने मॉर्निंग में ये बनाया हमने, और शाम को फिर बच्चे को लेके हमने पार्टी को, यहाँ देखिए हमने मीठा मंगाया। वो भगवान जी का पहले भोग लगाते हैं, मीठे में हमने जलेबी मंगाई थी, और उसके बाद फिर चटपटा पीठा कचौड़ी हमारी अलीगढ़ की फेमस है वो मंगाई है हमने। यहाँ देखिए हमने उसके बाद अलीगढ़ की फेमस कचौड़ी होती है आगरा मिलती है, बहुत ही टेस्टी होती है ये, तो ये हमने रखकर मंगाया है। करते हैं बच्चे पार्टी, तो फिर मिलते हैं।